हे अर्जुन, मेरे आश्रम योगाधार, मेरा आश्रम क्या है जो ये कहे कि हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तो योग करके तेरे नाम के साथ जुड़ा हूं, उसमें तेरी इच्छा तेरी कृपा है, मैं अपने आप से नहीं जुड़ा। हे अर्जुन, मेरे योग जानने के प्रसाद से तिनको जो ज्ञान उपजे हैं, सो ज्ञान मैं तुझको कहता हूं, जिसे जानकर फिर से जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। इस दुनिया में कोई एक ही विरला पुरुष होता है जो विरक्त होता है। जितने भी विरक्त होते हैं उनमें भी कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने मुक्त होते हैं उनमें भी कोई विरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। अतः मैं तुझे अपनी महिमा बताता हूं। हे अर्जुन, जल, तेज, वायु, पृथ्वी, आकाश और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकृति कही गई है। इनकी उत्पत्ति मेरी माया से होती है। ये 8 शरीरधारियों के भीतर भी हैं और बाहर भी। देह में इनकी क्या स्थिति है अब ये सुन। धरती का अंश मास है, जल का अंश लहू है, वायु का अंश श्वास है, तेज का अंश अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है, आकाश का अंश पोलापन है, तथा मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी माया है। हे अर्जुन, 9 जो इनमें है वो जीव भूत है, सारा जगत संसार इन्हीं का है। ये जो 84 लाख योनि है ये सब इन्हीं की बनाई हैं। अब सुन कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। ये संसार मेरी माया से उत्पन्न है, मैंने ही इन सबको उत्पन्न किया है, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही संहार करता हूं। मैं सबसे न्यारा हूं, मुझसे न्यारा कुछ नहीं है। ये सब भूत प्राणी मेरे साथ इसी प्रकार पिरे हुए हैं, इस प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार मणियों माला में पिरी रहती हैं। हे अर्जुन, ये न समझ कि मैंने वसुदेव और देवकी के घर जन्म लिया है। जैसे सारे देह में जहां त्वचा हो वही पीड़ा होती है, इसी तरह सबसे समीप जो दिखता और सुनाई देता है सब में वो ब्रह्म मैं ही हूं। अब सुन के सब लोग मेरे आधार कैसे हैं। हे कुंती नंदन, सब देहधारी जल के आसरे हैं, जल ही जीव का रस है, इस जल के रस का सेवन करके जीते हैं। जैसे दूध में घी है वैसे ही जल में रस है, अतः जल का जीव रस है, जल रस का आधार है और रस मेरा आधार है। सभी लोक चंद्रमा और सूर्य के आधार हैं, चंद्रमा और सूर्य ज्योति के आधार हैं। वेदों में मेरी महिमा रूप अमृत है, सो ब्रह्मा आदि से लेकर जितने भी वेद पाठी हैं उनका आधार मेरी महिमा और वेद पाठी वेद के आधार हैं। वेदों का जीवन जीव रूप ओंकार है, अतः वेद ओंकार के आधार हैं और ओंकार मेरे आधार हैं। ये सभी लोक आकाश के आधार हैं और आकाश का जीव शब्द है, आकाश शब्द मेरे आधार का जीव शब्द है, आकाश शब्द के आधार हैं, सो बल मेरे आधार हैं। सब लोक धरती के आधार हैं, धरती का जीवन गंध है, गंध जो कि वासना है, अतः धरती वासना के आधार है, वो वासना मेरे आधार हैं। ये सब लोक अग्नि के आधार हैं, अग्नि का जीव तेज है, अग्नि तेज के आधार है और तेज
मेरे आधार हैं। सब भूत प्राणियों का जीवन मैं हूं। जितने तपस्वी हैं सब तपस्या के आधार हैं, तपस्या मेरे आधार हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब भूत प्राणियों का बीज तू मुझको जान, और सनातन पहले तू मुझको जान। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, तेजस्वियों का तेज मैं हूं, और बलवानों का बल भी मैं ही हूं। मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, मैं संपूर्ण हूं, किसी के साथ मेरा मोह भी नहीं है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ मर्म का मार्ग है वो भी मैं हूं। ये जो सत रज और तम तीन गुण हैं, ये सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है। ये सब मुझ में नहीं है, मैं उनसे अलग हूं। हे अर्जुन, इस माया रूपी संसार से तरने का और कोई उपाय नहीं है। महामूढ़ प्राणी जिन्होंने ईश्वर की शरण नहीं ली, वे सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। हे अर्जुन, तिनको ज्ञान माया ने आच्छाद लिया है और वैसे ही उनके स्वभाव हो रहे हैं। हे अर्जुन, चार प्रकार के जीव पुण्य आत्मा हैं। एक तो रोगी मेरा स्मरण करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के लिए मेरा भजन करते हैं। तिनका रोग गुरु है, एक ज्ञान पाने के लिए मेरा भजन करते हैं। एक धनी मन की कामना की पूर्ति के लिए पुत्र या धन आदि पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं। इन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूं, पर ये योगी आदि मुझको सिमरते हैं। इन्हें भी तू बुरा न जान, वे भी बड़े उदार हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर को सिमरते हैं। पर ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। इन ज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है, और इन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब वो मुझे जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो ज्ञान कैसा है, क्या है, अब ये सुन। जिन्हें सभी प्राणियों में मैं नजर आता हूं, ऐसे ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं। पर ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं, और जो मुझे त्याग कर संसार में मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, अब उनकी बात सुन। कामना से उनका ज्ञान है, वे कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं, उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को भी मैं ही दृढ़ करता हूं, और मैं ही उस देवता में अंतर्यामी होकर मनुष्य को देवता से कामना वर दिलाता हूं। देवता का दिया हुआ वर नित्य अविनाशी नहीं, अंतवंत है, विनाश हो जाता है, और जिसकी थोड़ी बुद्धि निपट है वही दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। और ऐसे लोग जो देवता को पूजते हैं वो उसी देवता के लोक में जा प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त मेरे परम आनंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अब आगे सुन। मैं अविनाशी हूं, एकांती हूं, किसी से प्रकट नहीं हुआ और किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं।
अपनी कला से मैं आप ही पूर्ण हूं, मैं अजन्मा हूं, किंतु दुर्बुद्धि वाले लोग मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं, क्योंकि वे मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूं। हे अर्जुन, ये बेचारा मनुष्य भी क्या करे, इसका ज्ञान तो मेरी योग माया से ढका हुआ है, इसलिए माया प्रकाश नहीं होने देती। हे अर्जुन, वेदों में मेरा एक नाम चैतन्य पुरुष है, इसका क्या अर्थ है? अब ये सुन, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी भूत प्राणी इस संसार में हुए हैं, जो हो चुके हैं, मौजूदा हैं या भविष्य में जिन्हें अभी होना है, मैं सभी को भली भांति जानता हूं, मगर मुझे सिर्फ तू जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसकी कामना इंद्रियों में है, वो मोह माया हर्ष शोक में फंसा है, प्रिय वस्तु पाकर खुश होता है और अप्रिय वस्तु पाकर दुखी होता है, ऐसे हर्ष शोक और कलह कलेश में फंसा है, इसलिए मुझको नहीं पहचानता। इसी कारण ये मूड प्राणी जन्मता और मरता है, और जिनके पाप कट गए हैं ऐसे पुण्यकर्मी परम पुण्य आत्मा हैं, संसार के हर्ष शोक कलह और कलेश से मुक्त होकर वे एकाग्र चित से मेरा भजन करते हैं और मेरे ही आश्रय हैं। उन्हें मेरे भजन का क्या फल मिलेगा? अब ये सुन, वे बुढ़ापे और जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिनके मन में मुझे जानने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, वो मुझे ही ब्रह्म जानते हैं, मुझे अद्भुत जानते हैं और मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं, और मुझे ऐसा जानकर मरते समय तक मेरा ही स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं, ऐसे प्राणी मुझ परम आनंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं।